तो गुरु लोग, अगर तुम लालच से आ ही गए हो तो ये जान लो कि फिल्म सत्य प्रेम की कथा अपने पहले दिन पर कितने बिजनेस कर चुकी है और अपने डे टू पर कितने बिजनेस कर चुकी है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कार्तिक आर्यन की ये वाली फिल्म इंडिया के अंदर 2000 स्क्रीन पर और ओवरसीज के अंदर 500 स्क्रीन पर रिलीज हुआ था। और बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो सत्य प्रेम की कथा ने अपने डे वन पर 9.40 करोड़ का इंडियन नेट कलेक्शन कमाया है और इसका ग्रॉस बनता है 11 करोड़ और ओवरसीज से डे वन पर 2 करोड़ आए थे, यानी इसने अपने डे वन पे वर्ल्ड वाइड लेवल पर 13 करोड़ की बिजनेस करी थी। और तुम सबको पता है, चाहे क्रिटिक्स हो या फिर पब्लिक, उन सारों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। और लोगों को जब इतना पसंद आ रही है तो ऑफ कोर्स ये तो था ही कि अपने डे टू पे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रो करेगी। और ऐसा बताया जा रहा है सत्य प्रेम की कथा अपने डे टू पर 12 करोड़ की इंडियन नेट कलेक्शन करेगी, यानी इसका ग्रॉस बनेगा 15 करोड़। और ओवरसीज का भी अर्ली एस्टिमेट आ रहा है कि ये अपने दूसरे दिन 3 करोड़ की बिजनेस करेगी, यानी इसको अगर हम टोटल करें तो ये बनता है 18 करोड़। और ये अपना डे वन और डे टू मिलाकर टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 31 करोड़ की कर लेगी, या ना इसका आधा बजट जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग सत्य प्रेम की कथा फिल्म देखने जाओगे या नहीं? अगर तुम देख चुके हो तो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय और गुड बाय।